हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताने वाली टॉप हिडन फीचर्स। सो गाइस, यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास है नथिंग फ़ोन और यह है नथिंग फ़ोन CEMF Phone 1। सो गाइस, आइए शुरू करते हैं। इसकी प्राइस की बात की जाए तो गाइस ये 15,000 के आसपास का है। सो गाइस, सबसे पहले आपको होम स्क्रीन को प्रेस करके रखते हैं तो आपको तीन ऑप्शन दिखते हैं। सो गाइस, पहले जो ये वाला ऑप्शन है होम स्क्रीन सेटिंग, एंड आप इस पर जाते हो तो गाइस होम स्क्रीन सेटिंग में ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है डबल टैप टू लॉक, अगर इसे ऑन करते हो उसके बाद इसे होम करके फिर डबल टैप करते हो तो देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रीन ऑफ हो जाती है। सो गाइस, डबल टैप करने से स्क्रीन ऑन भी हो जाता है। तो आप इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। एक ये वाला कमाल का फीचर्स हाइड ऐप आइकन्स, यहाँ पर आप जो ऐप है वो हाइड कर सकते हो इस तरीके से माइनस करें तो अनहाइड हो जाएगा, अगर प्लस पे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाता है। देख सकते हैं कि गाइस, अब बात करें तो वेट किड्स गाइस, इसमें जो फ़ोन में है ना ये सबसे कमाल का फीचर्स तो यही बताता है इसके अंदर। तो पहले है बैटरी का, तो आप बैटरी वाला ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वैसा आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से प्रेस करके रखना फिर ऐसा आप ऐड कर सकते हो स्क्रीन में। और इस तरीके से आप फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है, कैमरे वाला है इसके अंदर, क्लॉक स्टाइल है, क्लॉक वाला कौन सा ऐड करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे आप इस तरीके से जो है ऐड कर सकते हैं। क्लॉक में दो ऑप्शन दिए जाते थे, मैं ये वाला सेट करूँगी, तो देख सकते इस तरीके से आप भी जो है ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। और ये वाला फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आप इसमें जाओगे इस तरीके से कोई सा भी चॉइस कर लेना, उसके बाद इसके सेटिंग पे जाते हैं तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो ऐड कर सकते हो। देख सकते हैं थोड़ा ये कलर में नहीं आएगा, बिना कलर का होगा। देख सकते हैं इस तरीके से आप भी जो है ऐड कर सकते हो। बस यहाँ पर चाहे तो कोई ऐप भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर। और फिर मैं आपको आप ये दिखाती हूँ, कस्टम की सेटिंग में जाते जो गाइस आपको यहाँ पे दिखता है कलर, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आप आइकन पैक्स का चेंज कर सकते हो, आइकन यानी थीम मान लो। यहाँ पे आपको गाइस बहुत से शोर आ रहा है इसके लिए सॉरी। और गाइस यहाँ पे डिफरेंट आपको यहाँ डिफरेंट में इस तरीके से दिखेगा, अगर नथिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो ये ब्लैक हो जाएगा। देख सकते हैं आप जो वॉलपेपर है आप कस्टम अपने हिसाब से वॉलपेपर भी बना सकते हो। और गाइस इसके लिए आपको मोर वॉलपेपर भी क्लिक करना है तो क्रिएट कर सकते हैं वॉलपेपर, जैसे कि ये वाला बना रही मैं इस तरीके से, उसके बाद क्रिएट वॉलपेपर पे क्लिक कर देना, फिर दोनों मिक्स होकर इस तरीके से ये थोड़ा प्रोसेसिंग भी होगा। देख सकते हैं क्रिएट होकर ऐसे वॉलपेपर बन गया है। तो ऐसे आप भी आप बना सकते हो, फिर इसके बाद आप सेट कर सकते हो इस तरीके से, यस पे क्लिक करना। और इसमें एक और ऑप्शन होता है जब वॉलपेपर आप सेट कर रहे होते हैं तो गाइस इसके अंदर ये होता है, ये अगर ये ऑन करते हो तो लॉक स्क्रीन वाले पे ब्लर हो जाएगा, अगर इसे ऑफ करते हो तो इस तरीके से दिखेगा आपको। और ग्लासेस ऑन करोगे तो ग्लास टाइप का टेम्पर दिखेगा आपको, देख सकते हैं ग्लास टाइप का ये पैटर्न काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। इस तरीके से आप अगर ऑफ करते हो तो सिंपल दिखेगा और डन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस इस तरीके से आप भी अपने हिसाब से AI टूल से क्रिएट कर सकते हैं वॉलपेपर। अगर इसमें एरोप्लेन मोड ऑन करते हैं तो वाईफाई जो है आपका ऑफ नहीं होगा, इसमें ये खास सिस्टम दिया गया है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने इसे ऑन कर दी और वाईफाई भी ऑन करोगे तो हो जाएगा, देख सकते हैं कि मैंने वाईफाई भी ऑन करेगा फ्लैश मोड दोनों ऑन कर रखी। तो गाइस इस तरीके से आप दोनों ऑन कर सकते हो इसके अंदर। इसके बाद नोटिफिकेशन पे जाते हैं तो गाइस ऐप नोटिफिकेशन आपको दिख जाते हैं यहाँ पे, और इस पे जाते हैं ऑल ऐप्स पे जा सकते हो, ऐसे आप यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो इस तरीके से। सो गाइस किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन यहाँ से आसानी से आप ऑफ कर सकते हो। और बैटरी के अंदर आप ये है बैटरी हेल्थ। सो गाइस अगर आप फ़ोन को कभी भी चार्ज में लगाते हो तो गाइस आप चाहते हो कि जल्दी चार्ज हो जाए, और रात भर अगर चार्ज में लगाते हो रात के सब सोते समय तो गाइस इसे ऑन कर लेना। इसे ऑन करने से ये होता है कि पहले तो शुरुआत में 80 तक जल्दी चार्ज होगा, उसके बाद आधा घंटे बाद मतलब कि 2-3 घंटे बाद धीरे धीरे स्लो होगा 90 तक, तो इससे बैटरी जो है और सही रहती है, जल्दी ख़त्म नहीं होती है। तो गाइस अब बात कर रहे थे डिस्प्ले की कुछ सेटिंग की, तो गाइस डिस्प्ले में ये वाला ऑप्शन दिखता होगा आपको स्क्रीन टाइम आउट, इसका मतलब होता है कि अगर आप मतलब कि अगर आपके फ़ोन का स्क्रीन बार बार ऑफ हो रहा है, आप कोई होम वगैरह यूट्यूब पर वीडियो सुन रहे हो तो गाइस वो बार बार स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो गाइस आप यहाँ से स्क्रीन जो है बढ़ा सकते हो टाइम आउट अपने हिसाब से सेट कर लेना। डार्क मोड का ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर। स्टेटस बार पे जाते हैं तो बैटरी परसेंटेज शो कर सकते हैं, इस तरीके से ऑफ करे हुए थे कोई शो नहीं होगा, बैटरी परसेंटेज शो होता है। इंटरनेट स्पीड शो कर सकते हैं, एक दिन में आप कितने नेट यूज़ कर लेते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। वाइब्रेट मोड है, स्क्रीन कास्ट का भी ऑप्शन है, इसका मतलब होता है गाइस आप फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, पूरा स्क्रीन कनेक्ट हो जाता है और ये काफ़ी अमेजिंग फीचर स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन। जो रिफ्रेश रेट है आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का और 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। तो गाइस आपको इसमें जो लॉक स्क्रीन में
आपको लॉक स्क्रीन वेट गेज में आपको क्लॉक स्टाइल दिख जाता है, आपको जैसा भी ऐड करना हो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और एसेसिबिलिटी में आपको टॉकबैक दिख जाता है, तो आप यहाँ से टॉकबैक जो है ऑफ़ कर सकते हो। और टॉकबैक कैसे ऑफ़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है इसके अंदर दोनों बताए जाते हैं, आप यूज़ भी कर सकते हो चाहे तो उसको। और इसका आसान तरीका ये होता है कि वॉल्यूम बटन को आपको कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखना है और टॉकबैक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। लॉक लगाना चाहते हो तो यहाँ पे सिक्योरिटी आप करा सकते हो और इस तरीके से। और डिवाइस लॉक अनलॉक पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक ऐड करने का ऑप्शन दिखता है, इसमें फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट का सेंसर आपको यहाँ से इस तरीके से दिख जाता है ऐसे स्क्रीन पर। और फेस लॉक का ऑप्शन तो आपको पता ही कैसे होगा। एंड तो इसके अंदर दोनों तीन ऑप्शन दिए गए हैं। और आपको सिस्टम पे जाते हैं तो सिस्टम में आपको लैंग्वेज सेट करने का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे कीवर्ड है, कीवर्ड में जो लैंग्वेज होता है थीम होता है और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर देख सकते हैं कीवर्ड की लैंग्वेज थीम टैग और माइक ये सब आप ऑन कर सकते हो, इसके अंदर सेट कर सकते हो, देख सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। जब मिनिमाइज करते हैं तो कहीं से आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन दिख जाता है। और यहाँ पे इसके सेटिंग पे जाते हैं तो आपको ऐप इन्फो एंड स्प्लिट स्क्रीन, इसका मतलब होता है कि दो स्क्रीन एक साथ यूज़ कर सकते हैं, दो ऐप एक साथ। और यहाँ पे पॉपअप का भी आपको ऑप्शन दिख जाता है और ये यूट्यूब पे भी सेट हो जाता है। वही इसमें यह होता है कि पॉपअप में इस तरीके से छोटा सा हो जाता है स्क्रीन, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से रिमूव भी हो जाता है। ये बटन वापस जाएंगे तो फिर से बटन शो होने लगेगा। जो ये बैक वाला बटन इसकी सेटिंग भी जाओगे तो ये लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं इस तरीके से ये राइट हो गया और ये हो गया लेफ्ट। फिर आपको दिखता है डबल प्रेस पावर बटन, एंड डबल प्रेस करोगे पावर बटन को तो कैमरा ऑन होना चाहिए। ये कौन सा ऑन क्या ऑन होना चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने कैमरा सेट कर रखी है तो कैमरा ऑन होगा मेरा डबल टैप करने पर पावर बटन को। सो गाइस वन हैंड मोड का भी ऑप्शन दिया गया है, इससे ये होता है कि स्क्रीन आप छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस इसे ऑन करने के लिए ये रहा शॉर्टकट भी दिया जाता है, यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से भी दिया गया है, देख सकते हैं हाथ से चलाने में इजी हो जाता है इसको। सो गाइस और इस तरीके से हम देख रहे हैं कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं आप। काफ़ी लॉन्ग वीडियो है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। रीसेट ऑप्शन है, यानी कि अगर इसमें नेटवर्क या फिर ब्लूटूथ प्रॉब्लम हो तो नेटवर्क को रीसेट कर देना, और नेटवर्क प्रॉब्लम तो इसको रीसेट करना, और ब्लूटूथ प्रॉब्लम है और वाईफाई प्रॉब्लम है तो उसको रीसेट कर देना। इससे ये होता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम होता है वो 100% सॉल्व होता है। और इसे रीसेट करने से आपके फ़ोन में कुछ नहीं हटेगा, बस नेटवर्क है जो डिसकनेक्ट हो जाता है, फिर आप दोबारा से कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस एंड फिर आपको यहाँ दिखता है फैक्ट्री रीसेट, इसका मतलब होता है कि अगर आप इसको रीसेट करते हो रिजॉल्व डाटा पे क्लिक करते ही फोन रीसेट हो जाता है। पर इस पर क्लिक करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है, जैसे कि डाउनलोड ऐप्स है और गूगल अकाउंट है आपके में जीमेल आईडी मतलब। सो गाइस ये सब चीज़ें आपके फ़ोन से हट जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर हर एक चीज़ हट जाएगा और एकदम न्यू फ़ोन हो जाएगा। और गाइस इससे ये होता है कि लैग इशू या फिर ऐप लॉक है आप लगा के भूल गए हो तो उसको तोड़ने के लिए फैक्ट्री रीसेट किया जाता है, इसका मतलब होता है फ़ोन को रीसेट करना। सो गाइस इसके बाद हम इसको बैक करेंगे। गेमिंग मोड में ये होता है कि अगर आप इसे ऑन करते हो इस गेमिंग मोड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है इसमें। जैसे कोई गेम खेलते हो उसके साथ साथ आप उसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो, गेमिंग मोड में गेम खेलते खेलते स्क्रीन शॉट ले सकते हो। अब इसको बैक करेंगे। और एक बार अबाउट फ़ोन पे जाते हैं तो गाइस अबाउट फ़ोन में इसके सेटिंग के बारे में आपको दिख जाता है। जो कैमरा है उसका 50 MP का है और एक 2 MP का ऐसे नॉर्मल कैमरा है, और एक है 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया जाता है इसके अंदर। 6 और 8 GB का रैम है, स्टोरेज 128 GB, बैटरी है जो 5000 mAh बैटरी है, और जो और बैटरी तो इतनी है। और जो उसका चार्जर है गाइस जी वो 33 W का सपोर्ट करता है। और 6.67 है एमोलेड डिस्प्ले दिख जाता है इसके अंदर, एंड्रॉइड 14 दिया जाता है इसके अंदर। इस फ़ोन का फीडबैक लेना चाहते हैं टिप्स एंड फीडबैक एंड इस पे जाना तो गाइस आपको इसमें बताया जाएगा कैसे कैसे इस मेन मेन फीचर्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कैसे कैसे यूज़ करना है देख सकते हो। यहीं से मैं आपको जानकारी दी हूँ गाइस यहाँ से लेकर। तो गाइस ऐसे आप भी ऐसे फ़ोन की जानकारी इसमें ले सकते हो। ये नथिंग का जो डिस्प्ले इस तरीके से हाइड ऐप इस तरीके से ही आप कर सकते हो आसानी से। तो गाइस इस तरीके से देख सकते हो और यहाँ पे और स्क्रीन का इस तरीके से ये आपको जो दिख रहा है कवर, जो ये कवर है वो आप चेंज कर सकते हो उसका। जो ये वाला है ये खुल जाता है गाइस, और इसका होल्डर भी बना सकते हो, फ़ोन होल्डर भी बन जाता है। ये पेचकस से खुलेगा देख सकते हो, ये कील है थोड़ा सा मतलब कि ऐसे लगा रखा है ये खुल जाता है, इसका कवर भी चेंज होता है देख सकते हो। इसमें बताया गया है कि कैसे हटाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, और ये देख सकते हो इस तरीके से होल्डर भी आप बना सकते हो, और काफ़ी अमेजिंग है। इसलिए इस फ़ोन को अमेजिंग किया, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माना गया है।
सो गाइस, और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कस्टम पे आपको ये सब दिख जाएगा, जो जो इसमें आपको बताई हूँ मिनिमम फीचर्स, वही ये इसके अंदर देख सकते हैं आप। यहाँ से इस तरीके से कलर ये सब चेंज कर सकते हो। और एक और बार इसके अंदर ना ये भी आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ये मैं आपको बताऊँगी अभी। सो गाइस, इस तरीके से देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग फीचर्स इसके अंदर दिया गया है। तो यहाँ से आप जानकारी लेकर आप यूज़ कर सकते हो। और सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कैमरे का भी इसमें बताया गया है, कैमरे में जो एक ऑप्शन है वो ग्लासेस का भी ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर। कैमरे में भी आपको जाके दिखाऊंगी। और इस तरीके से आप देख सकते हो, और कैमरे में बैठने का भी ऑप्शन है, एंड प्राइवेसी भी आपको ये सब दिख जाता है। ये सब है गेमिंग मोड के लिए, देख सकते हैं इस तरीके से। तो देख सकते हो, कॉल भी आता है तो रिसीव भी कर सकते हो, साथ साथ गेम भी आप खेल सकते हो। देख सकते हो इसके अंदर ये सब दिया जाता है, इसलिए गेम मोड भी इंप्रूव आता है। अब बैटरी तो आपको पता है, बैटरी हेल्थ का ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर, ये सब है। और इसके बाद आपको इस तरीके से किसी ऐप में जाना है, इस तरीके से उसको प्रेस करके रखोगे तो आपको यहाँ दिखता है रीनेम एंड कस्टम, ये सब आपको दिख जाता है। कस्टम पे जाते हैं तो यहाँ से आप जो है आप ये चेंज कर सकते हैं ऐप का, अलग अलग फीचर्स में दिया गया है, देख सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट भी आप रख सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। जबकि इसमें बहुत से फीचर्स ऐसे दिख जाते हैं, तो गाइस ये आप कस्टम कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में रख रही है अभी तो फिलहाल। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है। सो गाइस, आप कैमरे में जाते हैं तो गाइस आपको बता चुकी हूँ, 16 MP का फ्रंट कैमरा, 50 MP का कैमरा बैक कैमरा है इसका। और ये सब है वीडियो क्वालिटी, और वीडियो में जूम हो जाता है, बट अब जो जूम टेस्टिंग है 10x तक हो जाता है ये, और जो फोटो में भी 10x तक हो जाता है। फ्रंट कैमरा कोई जूमिंग नहीं होता है। और फ्लोटिंग एंड मोड पे जाओगे तो ये सब आपको दिख जाएगा ऑप्शन। और यहाँ पे स्लो मोशन का भी ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं आप स्लो मोशन भी वीडियो बना सकते हो। कलर फिल्टर ये सब चेंज कर सकते हो, इसकी सेटिंग में जाते हो तो इस तरीके से आपको दिख जाता है। काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग सेटिंग है इसके अंदर, आप यूज़ कर सकते हो। कैमरा का मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी गाइस, तो उसमें आपको बता दूँगी क्या क्या फीचर्स इसके अंदर है। और इस तरीके से आप देख सकते हो, कलर में ग्लासेस वाला आप ऐड कर सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो तो ये काफ़ी लुक अमेजिंग करता है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और फोटो तो काफ़ी ज़बरदस्त आता है, देख सकते हैं फ्रंट कैमरे से लिया गया है, ये बैक कैमरे से वीडियो है, ये सब वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। कैमरा काफ़ी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देख सकते हैं आप, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस, ये सब इसके अंदर फीचर्स दिए गए। तो सभी फीचर्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। और गाइस, बाय बाय।